हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। गोल्डबर्ग इस एपिसोड में दिखने वाले हैं और ये साफ होगा कि वो किसके साथ मैच में दिखाई देंगे। वही देखते हैं कि नई फ्यूड दिखेंगी या वही ओल्ड वाली आगे बढ़ती हुई दिखती है इस एपिसोड पर। सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत मेज और मॉरिसन के डर्ट शीट सेगमेंट से हुई। दोनों रिंग में आए और इन दोनों ने स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले किया। इस सेगमेंट को बीच में इंटरप्ट करा न्यू डे ने। बिगी और कॉफी किंगस्टन ने दोनों का मजाक बनाना शुरू करा और कहा कि वो हमें हराएंगे। तभी द मिज ने कहा कि हमने स्मैकडाउन की सभी टीमों को हराया है। लेकिन तभी उसोस की एंट्री हुई और उन्होंने कहा कि मिज और मॉरिसन ने हमें कभी नहीं हराया है। अब बारी थी डॉल्फ जिगलर की बार आने की, लेकिन रिंग में मिज और मॉरिसन ने पीछे से न्यू डे के ऊपर अटैक करा और वहां से भाग गए। इसके बाद हमें उसोस वर्सेस डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड के बीच मैच दिखा। मैच शुरू हुआ, डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड ने उसोस पर हावी होने की कोशिश करी, बट उसोस ने भी पलटवार करते हुए रॉबर्ट रूड और डॉल्फ जिगलर पर प्रेशर बनाया। अब बारी थी डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड की। उन्होंने जे उसोस के ऊपर जबरदस्त अटैक करते हुए मैच में पकड़ बनाई और उन्हें कंट्रोल बनाया। तभी जिम्मी ने आके मैच को टर्न करा और अपने जबरदस्त मूव लगाना शुरू करे। एंड में उसोस ने डबल सुपर किक और स्प्लैश दे के मैच जीत लिया। इसके बाद WWE ने वीडियो के जरिए दिखाया कि किस तरह से किंग कॉर्बिन को लास्ट वीक डॉग फूड से नहलाया गया था। किंग कॉर्बिन इसके बाद प्रोडक्शन ट्रक में चले गए और उन्होंने इस वीडियो को प्ले करने वाले एम्प्लॉई पर अटैक कर दिया और उन्हें दरवाजे से नीचे धक्का दे दिया। इसके बाद रेफरी और ऑफिशियल ने जाके वहां से किंग कॉर्बिन को हटाया। अब हमें अलायस वर्सेस सिजारो के बीच मैच देखा। सिजारो के साथ सैमी जैन भी मौजूद थे। मैच के शुरू में सिजारो ने अलायस पर मूव लगाते हुए पकड़ बनाई और अलायस को कोई मौका नहीं दिया और खुद को पिन होने से भी बचाया। अब अलायस ने सिजारो को सुप्लेक्स देके वह मैच में वापसी करी। इस बीच सिजारो ने वापसी की कोशिश करी, बट अलायस ने मूव देके मैच जीत लिया। इसके ठीक बाद किंग कॉर्बिन दिखे और उन्होंने आके रोमन रेंस को टारगेट करते हुए कहा कि तुम मुझे अपने दम पर नहीं हरा सकते हो, तुमने हमेशा किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। इसके बाद कॉर्बिन ने कहा कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि रोमन रेंस के साथ मेरा मैच नहीं होता है। कॉर्बिन ने एक फैन के ऊपर उसकी ही ड्रिंक फेंक दी। अब रोमन रेंस की एंट्री हुई और उन्होंने सबसे पहले कॉर्बिन को सुपरमैन पंच दिया और ड्राइव बाई लगाई, फिर एक के बाद एक जबरदस्त मूव लगाए। कॉर्बिन वहां से भाग खड़े हुए। रोमन रेंस ने किंग कॉर्बिन को डरपोक कहते हुए स्टील कैज मैच के लिए चैलेंज करा। नेक्स्ट हमें गोल्डबर्ग का सेगमेंट दिखा जो कि सैटेलाइट के जरिए दिखाई दिया। गोल्डबर्ग ने अनाउंस करा कि मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फिंड को चैलेंज करना चाहता हूं। गोल्डबर्ग ने यह भी कहा कि मेरा पहला रन काफी छोटा था। तभी ब्रे वाइट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और गोल्डबर्ग यू आर नेक्स्ट कहकर वहां से चले गए। इसके बाद हमें डैनियल ब्रायन वर्सेज हीथ स्लेटर के बीच मैच दिखा। डैनियल ब्रायन लॉकर रूम में बैठे थे, तभी वहां हीथ स्लेटर ने जाके डैनियल ब्रायन को कंफर्ट फील कराने की कोशिश करी और डैनियल ब्रायन को फिंड के मैच की याद दिलाई। तभी डैनियल ब्रायन ने हीथ स्लेटर को मैच के लिए चैलेंज कर दिया। अब ये दोनों रिंग में आए और मैच शुरू हुआ। डैनियल ब्रायन ने जबरदस्त एग्रेशन दिखाते हुए रनिंग नी लगा के हीथ स्लेटर को रिंग के बाहर फेंक दिया। सुसाइड डाइव यस किक लगा के डैनियल ब्रायन ने यस लॉक लगा के ये मैच जीत लिया। इसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन का सेगमेंट दिखा। न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कहा कि मैंने WWE में काफी कुछ हासिल कर लिया है, जिसमें 8 साल के बच्चे के साथ रसलमेनिया में टैग टीम चैंपियनशिप जीतना भी रहा। हालांकि जिस पल का इंतजार मुझे काफी समय से था, वो लास्ट वीक पूरा हुआ और मैंने अपनी पहली सिंगल चैंपियनशिप जीत ली। इसके बाद एंट्री हुई सैमी जैन और शिंसुके नाकामुरा की। उन्होंने रीमैच के लिए डिमांड करी। हालांकि रिवाइवल ने पीछे से आकर ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर जबरदस्त अटैक कर दिया। इन चारों ने स्ट्रोमैन को मारना शुरू करा। स्ट्रोमैन ने भी पलटवार करा और तबियत से इन दोनों को दौड़ा दौड़ा के मारा, लेकिन नाकामुरा ने रिंग में किनशासा ब्रॉन स्ट्रोमैन को देके ढेर कर दिया। रिवाइवल का समझ नहीं आता है, कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक करते हुए दिखाई दे जाते हैं। इसके बाद हमें शेमस वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच मैच देखा। इन दोनों के बीच मैच काफी छोटा था, जिसमें शेमस ने ब्रॉक किक देके मैच जीत लिया। मैच के बाद भी शेमस दूसरी ब्रॉक किक अपोलो को देने वाले थे, पर शॉर्टी जी ने आके अपोलो को बचाते हुए शेमस के ऊपर अटैक करा। शेमस ने पलटवार करते हुए शॉर्टी को ही ब्रॉक किक दे मारी। इसके बाद हमें वुमेन्स के बीच फैटल फोर वे मैच दिखा, जो कि नायोमी वर्सेस कार्मेला वर्सेस डाना ब्रूक वर्सेस अलेक्सा ब्लिच के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर मैच के लिए दिखा। पहले रिंग साइड मौजूद थी। नायोमी ने मैच में अच्छी शुरुआत करी और बाकी की तीनों वुमेन्स को जबरदस्त मूव लगाए, जिसके बाद जिसपे मौका लगा उसने उसको मारा और जबरदस्त मूव एक दूसरे को लगाए। सबने जीतने की कोशिश करी और दूसरी वुमेन्स ने उनके पिन को तोड़ा। वहीं नायोमी ने अलेक्सा ब्लिस पर मूव लगाया और कार्मेला ने नायोमी को सुपर किक देके अलेक्सा ब्लिस को पिन करके मैच जीत लिया। तभी बेले ने कार्मेला के ऊपर अटैक कर दिया। अब हमें सुपर शोडाउन में बेले वर्सेस कार्मेला के बीच सऊदी अरेबिया में स्मैकडाउन टाइटल के लिए मैच दिखेगा। यही आज का स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हुआ। आज के एपिसोड में सुपर शोडाउन के लिए तीन बड़े मैच सामने आ चुके हैं। वहीं गोल्डबर्ग ने फिंड को आके चैलेंज करा, जिसकी उम्मीद बहुत कम थी। लगा था कि वो रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे,
अब देखा जाए तो स्मैकडाउन में वही पुरानी स्टोरी लाइन ही देखने को मिली जो पिछले काफी टाइम से चल रही थी। उन्हें ही WWE आगे बढ़ा रही है सुपर शोडाउन के लिए। नया कुछ भी नहीं था, इसी वजह से उनके मैच का ऐलान सुपर शोडाउन के लिए हो चुका है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।